गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एवोल्यूशन। ठीक है, इस एवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ाई करेंगे आज। ओके, एवोल्यूशन क्या होता है और एवोल्यूशन कैसे जुड़ा होता है हमारे प्रोग्रेस से, हमारे डेवलपमेंट से, और हमें एवोल्यूशन को स्टडी करने की क्यों ज़रूरत है या क्यों ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, हम क्यों स्टडी करते हैं एवोल्यूशन को। तो एवोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। एवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस। ग्रेजुअल चेंजेस आप सभी को मालूम है कि हम सभी ही ऑर्गेनिजम्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिसिमिलैरिटीज़ हैं। तो कैसे हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं ये हमें ये दर्शाता है कि हमारे फोर फादर्स किसी समय में सब एक ही रहे होंगे और उन सभी से एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ है और वो अपने अपने डिफरेंट डायरेक्शंस में इवॉल्व हुए हैं। कहने का मतलब है कि सारे ही ऑर्गेनिज्म्स किसी न किसी समय में एक ही ऑर्गेनिज्म या एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुए हैं और ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स और रीजंस की वजह से वो डिफरेंट डिफरेंटली बिहेव करने लगे और डिफरेंटली उनमें चेंजेस आने लगे और इस तरीके से वो डिफरेंट स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया। और एवोल्यूशन एक इसी तरीके का एक ट्रेंड है, एक पैटर्न है जो कि दर्शाता है कि कैसे हम सारे ऑर्गेनिजम्स ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, एक लंबे समय के अंतराल की वजह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में तब्दील हो गए हैं या चेंज हो गए हैं। तो ये एवोल्यूशन इस चीज़ को दर्शाता है कि कैसे सीक्वेंस और सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस या ग्रेजुअल चेंजेस या धीरे धीरे जो चेंजेस हैं उनकी वजह से एक व्यवहार में स्ट्रक्चर में चेंजेस आए ऑर्गेनिजम्स के और धीरे धीरे वो चेंजेस एक्यूमुलेट होते चले गए और एक टाइम जब ऐसा आया कि धीरे धीरे वो बहुत लंबा समय पास हो गया तो उनमें अब जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई देने लगे और वो चेंजेस धीरे धीरे जो चेंजेस हुए थे वो अल्टीमेटली डिसिमिलैरिटी की ओर बढ़ते चले गए और ऑर्गेनिजम्स में डिसिमिलैरिटीज ज़्यादा दिखाई देने लगी। तो इस तरीके से डिफरेंट स्पीशीज का या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस। इस तरीके के चेंजेस का, ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे चेंजेस होने का एक तरीका है, एक पैटर्न है, इन विच दैट टेक्स प्लेस, जो कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में दैट टेक्स प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। प्रिमिटिव ऑर्गन्स में मिलियंस ऑफ ईयर्स के चेंजेस होने की वजह से, ठीक है, वो धीरे धीरे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में या तब्दील हो गए या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में फॉर्म हो गए। तो इस तरीके से एक एवोल्यूशन एक विकास की क्रिया है, ठीक है, इन विच द न्यू स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड, जिसमें कि कुछ नए प्रकार की स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये इस तरीके के चेंजेस होते हैं जो धीरे धीरे होते हुए एक
समय में बहुत ही डिसिमिलर तरीके से रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं, और वो पर्टिकुलर तरीके का जो ट्रेट होता है या कैरेक्टर होता है, वो धीरे धीरे चेंज होते हुए एक डिफरेंट कैरेक्टर या डिफरेंट ट्रेट में बदल जाता है, जिसके आधार पर हम उनको डिसिमिलर कह देते हैं, या एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन या न्यू स्पीशीज का इवॉल्व होना कह सकते हैं, और इसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं। ओके, तो एवोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न्यू स्पीशीज का जन्म होता है, जो कि मिलियंस ऑफ इयर्स तक धीरे धीरे चेंजेस होने की वजह से होता है। ओके, द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स और द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द स्पीशीज आर हैविंग द कॉमन, दे आर क्लोजली रिलेटेड। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो दो या दो से अधिक ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखाई देते हैं, वो हमें ये दर्शाता है कि कैसे वो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से ज़्यादा क्लोजली जुड़े हुए हैं या क्लोजली रिलेटेड हैं, और इनके जो फीचर्स हैं, उन फीचर्स को हम जब स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि उन फीचर्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं या बहुत ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज़ हैं, या इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है या जिसके फीचर्स बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, हम उनको क्लोजली रिलेटेड मान सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं घर में, जो एक फैमिली में न्यू स्प्रिंग जब डेवलप होता है, देन पीपल दे यूज टू कोरिलेट द फीचर्स ऑफ दैट न्यू बॉर्न विद द फीचर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, जो कि फैमिली में रहने वाले पहले से जन्मे हुए मेम्बर्स के जो फीचर्स हैं, उनके फीचर्स से न्यू बॉर्न बेबीज़ के फीचर्स को मिलाने लग जाते हैं और सिमिलैरिटीज़ देखने लग जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो फैमिलीज में जितने ज़्यादा फीचर्स को रिलेटेड होते हैं मेंबर्स के, तो हम कह देते हैं कि वो उस फैमिली से ज़्यादा क्लोजली है। तो इसी तरीके का पैटर्न एवोल्यूशन में हमें दिखाई देने लगता है, देख सकते हैं हम एवोल्यूशनरी ट्रेंड को। तो जो ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, हम उसको उतना ही मोर क्लोजली रिलेटेड मानते हैं, बिकॉज़ उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलैरिटीज होंगे। ओके, तो सिमिलैरिटीज के आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लोजली रिलेटेड मानते हैं, और अगर डिसिमिलैरिटीज होती हैं तो हम कह सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म उतना ही क्लोजली रिलेटेड नहीं है जितना कि उनमें डिफरेंसेस हैं। तो जितने ज़्यादा डिफरेंसेस, इसका मतलब होता है वो उतना ही ज़्यादा दूर का रिलेटिव है। ओके, यही तो पैटर्न हम फैमिलीज में भी स्टडी करते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, नाउ व्हाई द एंड हाउ द एवोल्यूशन इज स्टडीड। ठीक है, एवोल्यूशन को स्टडी करने की क्या ज़रूरत पड़ी या क्यों किया जाता है, और ये एवोल्यूशन को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। देर आर नंबर ऑफ रीजंस व्हाई वी आर स्टडीइंग द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को स्टडी करने का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टडी करना, कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ है एंड ह्यूमंस के को रिलेटेड स्पीशीज कौन सी स्पीशीज हैं, और ह्यूमंस कैसे अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे डेवलप हुआ, और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, तो इन सब को हम स्टडी करते हैं
तो इस तरीके से बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पर, जिनके बेसिस पर हम एवोल्यूशनरी ट्रेंड को या एवोल्यूशन को हम स्टडी कर सकते हैं। देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ एविडेंसेस ऑन विच वी कैन स्टडी द एवोल्यूशंस। ओके, नाउ देर मे बी द होमोलोगस ऑर्गन्स देर एंड द एनालोगस ऑर्गन्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन स्टडी द डिफरेंट एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स एंड देर आर वेस्टिजल ऑर्गन्स देन फॉसिल फ्यूल्स। दीज आर द सम रीजन्स ऑन विच वी कैन से एंड वी कैन स्टडी द एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। देन देर वर सम थेरीज ऑल्सो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम देर वर सो मैनी इंटेलेक्चुअल्स डेवलप्ड एंड बॉर्न एंड दे गिव देयर ओन ओपिनियंस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड हाउ द एवोल्यूशन टुक प्लेस। ओके, तो कैसे एवोल्यूशनरी ट्रेंड में ये प्रोग्रेस आई या फिर एवोल्यूशन कैसे हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनमें कि कुछ थियरीज भी हैं, जैसे कि डार्विन्स थियरी है, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क की थियरी भी है, जिनके बेसिस पर हम एवोल्यूशन के ट्रेंड को स्टडी करते हैं और हम बता सकते हैं कि कैसे एवोल्यूशन के बेस पर डिफरेंट स्पीशीज का ओरिजिन होता है और कैसे स्पीशीज डेवलप करते हैं। तो इसके अलावा कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी हुए जैसे कि मेंडल, जिन्होंने बताया था कि किसी भी स्पीशीज का जो डेवलपमेंट है वो जिस उसमें एनवायरनमेंट का रोल तो होता ही है और एक इंटरनल जेनेटिकल कॉजेस भी होते हैं, जो कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द स्पीशीज एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड्स। कुछ ट्रेड्स को जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेंड करने की एक इंडिविजुअल्स के अंदर खुद की सेल्फ पावर होती है जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेंड करते हैं। तो एवोल्यूशन के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, इनहेरिटेंस, जो कि जीन्स का इनहेरिटेंस एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में होना, ये भी एवोल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है। ओके, तो हम स्टडी करते हैं कि कैसे डिफरेंट एविडेंसेस दे आर हेल्पिंग इन द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? द ऑर्गन्स विच आर हैविंग द सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स। सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स तो होते हैं, दैट मीन्स उनका ओरिजिन सेम होता है, बट दे आर यूटिलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट फंक्शंस के लिए वो यूटिलाइज होते हैं, बट उनका सेम ओरिजिन होता है, उनके टिश्यूज का फॉर्मेशन सेम लोकेशन पर होता है या सेम पैटर्न के बेस पर होता है, वो सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स रखते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो फोर लिम है ह्यूमंस का, ओके, दैट इज वेरी मच क्लोजली रिलेटेड टू द विंग्स। ओके, विंग्स ऑफ द और फेदर्स ऑफ द सॉरी फेदर्स ऑफ द बर्ड्स। बर्ड्स के फेदर से ह्यूमन के जो फोर लिम है दे आर क्लोजली रिलेटेड, बिकॉज उनके अंदर भी वही बोन्स होते हैं जैसे कि एंड द
ओरिजिन इज ऑल्सो द सेम, उनके अंदर रेडियस एंड अल्ना जो कि बोन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फेदर्स, एंड फेदर्स दे आर जस्ट मेंट फॉर फ्लाइंग। ओके, तो फोर लिम्स का एनलार्जमेंट फेदर्स के रूप में हो जाता है और उन्हें हम देखते हैं कि बर्ड्स को फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं विच आर हैविंग द सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स एंड आर हैविंग द डिफरेंट फंक्शंस। ओके, नाउ द एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शंस बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर्स। ओके, स्ट्रक्चर्स में या फिर उनके फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स में हाउ दे वर डेवलप्ड एंड हाउ दे आर हैविंग द ओरिजिन फ्रॉम द सेम सेल्स और सेम टिश्यूज। सेम टिश्यूज से कैसे वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, इनमें अंतर होता है, ठीक है, एंड उनका फंक्शन सेम होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बर्ड्स के फेदर्स और विंग्स ऑफ द इंसेक्ट्स। ओके, इंसेक्ट्स के विंग्स और बर्ड्स के फेदर्स दे आर मेंट फॉर फ्लाइंग, बट बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ विंग्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द विंग्स ऑफ द इंसेक्ट्स। कैसे ये डिफर होता है? बिकॉज द विंग्स ऑफ द बर्ड्स, ओके, बर्ड्स के विंग्स या फिर फेदर्स वो फोर लिम्स के मॉडिफिकेशंस होते हैं, बट जो विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं वो फोर लिम्स नहीं होते, बल्कि इंसेक्ट्स के जो एब्डोमन पर एनलार्जमेंट ऑफ द सेल्स या फिर एनलार्जमेंट ऑफ द टिश्यूज दे फॉर्म द वेरियस विंग्स और वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स फॉर फ्लाइंग। ओके, तो हम देखते हैं कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स जो कि फंक्शंस में तो सेम है बट उनका बेसिक स्ट्रक्चर या उनका ओरिजिन डिफरेंट डिफरेंट सेल से या टिश्यू से हुआ है, ऐसे ऑर्गन्स को हम एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। ओके, नाउ द वेस्टिजल ऑर्गन्स एंड हाउ एक्चुअली ये ऑर्गन्स हमें कैसे हेल्प करते हैं। अब हम इन ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं तो होमोलोगस ऑर्गन्स हमें ये बताते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म दीज वर्क ओरिजिनली देवर कोरिलेटेड, क्योंकि उनका बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है बट एज पर द नीड दे हैव चेंज्ड देयर मॉडिफिकेशन। फिनोटिपिकली वो अपने मॉडिफिकेशन को चेंज कर पाए हैं या अपने बेसिक स्ट्रक्चर को बाहरी रूप से जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार चेंज कर पाए हैं। और एनालॉगस ऑर्गन्स में हम देखते हैं कि डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं जो उन जिनका बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट एक ही जगह पर या फिर एक ही तरीके का फंक्शन उन्हें करने की ज़रूरत पड़ने की वजह से उनमें सेम टाइप का फंक्शन होने लग जाता है, बट बेसिकली दे आर हैविंग डिफरेंट ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरीके के ऑर्गन्स को हम एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। नाउ द वेस्टिजल ऑर्गन्स, वो वेस्टिजल ऑर्गन्स क्या होते हैं एंड हाउ दे आर हेल्पिंग द स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन। वेस्टिजल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं जो कि किसी समय में बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं या फिर देवर बी द
इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स या इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स रहे हैं, तो ऐसे बॉडी के पार्ट्स जो किसी समय में बॉडी के इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं और अभी बॉडी के वेस्टिजल ऑर्गन्स की तरह या फिर वेस्ट ऑर्गन्स की तरह बॉडी से स्टिल अटैच्ड हैं और अनवांटेड बॉडी पार्ट्स की तरह अटैच्ड हैं, विच आर नो मोर यूटिलाइज्ड इन द बॉडी फॉर अटेनिंग द फंक्शंस। ये फंक्शंस को अटेंड करने में उनका कोई रोल नहीं है और वो एज ए वेस्टिजल और अनवांटेड ऑर्गन्स की तरह बॉडी से अटैच्ड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टडी करें तो एन लार्ज इंटेस्टाइन के डिस्टल एंड पर हमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि एनलार्ज्ड प्रोजेक्शन है वो दिखाई देती है ह्यूमंस में, एंड दैट इज नोन एज द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ओके, इसको हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के डिस्टल एंड पर अटैच होते हैं एज एन एनलार्जमेंट, और ये ल्यूडिमेंट्री डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है जो कि रेमनेंट्स में दिखाई देता है, और इसमें सेलुलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया का एग्जिस्टेंस होता है। ओके, ऐसा माना जाता है। एंड यू सी द डिफरेंट टीथ्स टीथ पैटर्न्स इन ह्यूमन बींग्स दे आर शोइंग दैट द क्लोजली रिलेटेडनेस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्बीवोर्स एंड द कार्निवोर्स एनिमल्स। ठीक है, हम कैसे हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स एनिमल से जुड़े हुए थे ये हमें दर्शाता है। द मोलर्स और द लास्ट मोलर्स और द विजडम टीथ दे आर एक्चुअली द मोलर टीथ विच आर रिलेटेड विद द ग्रेजिंग एनिमल्स। ग्रेजिंग एनिमल्स के मोलर टीथ से वो सिमिलर होते हैं। ओके, तो इनके बेसिस पर हम स्टडी करते हैं तो हम कह सकते हैं हाउ वी आर रिलेटेड टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स।